नमस्कार, हम हाजिर हैं फिर एक बार आपके सामने एक नई खबर के साथ। मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के बिठोड़ा खुर्द से 11 वर्षीय लापता बालक का शव बिठोड़ा खुर्द के कोसाला के पास छापरिया नाड़ी में मिला। जानकारी के अनुसार दोपहर से ही भैराराम नायक निवासी बिठोड़ा खुर्द का पुत्र यशवंत दोपहर से ही लापता होने से परिजनों ने आसपास व रिश्तेदारों के यहाँ तलाश की, लेकिन पता नहीं चला। सूत्रों के अनुसार खबर है कि 2 से 3 बजे के बीच बिठोड़ा खुर्द एवं सूर्यनगर के बीच छापरिया की नाड़ी पर कपड़े व चप्पल मिलने से सनसनी फैल गई। इस खबर से गांव के ग्रामीणों का भी हुजूम नाड़ी पर उमड़ पड़ा और कपड़ों की पहचान से पता चला कि यह कपड़े यशवंत के ही हो सकते हैं, आशंका जताई गई। सूचना पर पुलिस जाप्ता मौके पर पहुंचा। मौके पर पहुंचकर वाहन चालक राजकुमार ने ग्रामीणों की मदद से बड़ी मशक्कत के साथ शव को नाड़ी से बाहर निकाला। जैसा कि आप स्क्रीन पर यह देख सकते हैं, ये रात्रि में ही पुलिस वाहन चालक जो राजकुमार है, उन्होंने ग्रामीणों की मदद से नाड़ी के अंदर उस छात्र की तलाश की, उस बालक की तलाश की और उसको बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद शिनाख्त की गई तो वह शव यशवंत पुत्र भैराराम नायक निवासी बिठोड़ा खुर्द का के रूप में उसकी पहचान हुई। बताया जाता है कि बिठोड़ा खुर्द की विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में 5वीं कक्षा में यह छात्र पढ़ता था। इसकी उम्र 11 वर्ष बताई जा रही है। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। मैं अजय सिंह तोमर।